गुरुवार का दिन अपने आप में चमत्कारी माना जाता है। श्री हरि विष्णु का यह दिन अपने आप में अद्भुत है। साथ ही गुरु ग्रह से भी यह संबंध रखता है। देव गुरु बृहस्पति जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मजबूत अवस्था में होते हैं, उस व्यक्ति का भाग्य बहुत तेज होता है। वह व्यक्ति पारिवारिक सुख प्राप्त करता है, साथ ही बच्चों से एक सुख प्राप्त करता है और पारिवारिक सुख उसे जीवन में निरंतर मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भी चाहते हैं कि बुद्धि प्रखर हो, आपका मान सम्मान परिवार में हो और साथ ही वैवाहिक सुख, बच्चों का सुख आप सभी को मिले और जीवन में निरंतर परिवार उन्नति करे, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है गुरुवार के दिन गुड़ और चने का उपाय जरूर से करना चाहिए। गुरुजी की कई कथाएं अपने आप में अद्भुत है। कई सालों से गुरुजी हम सभी को ज्ञान देते हैं और उपाय बताते हैं सरल भाषा में, पूर्णतया में समझाने बताने का आप सभी को प्रयास करूंगी। गुरुवार के दिन काफी सरलतम उपाय है जो आप सभी को करना चाहिए। सबसे पहले गुरुवार के दिन कोशिश करें कि पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव करें। जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर से करें और इस महा उपाय को करने का प्रयास करें जो काफ़ी सरल है और बहुत जल्दी जो है फलित होता है। लगता है कि विवाह संबंधी कोई परेशानी है, जीवन में किसी न किसी तरह से आप जो है अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते, विवाह के साथ साथ संतान उत्पत्ति या कोई भी कार्य बनते ही नहीं है, तो यह उपाय करके देखिएगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को सबसे पहले थोड़ा सा गुड़ ले जाना होगा शिव मंदिर में, साथ ही थोड़ा सा चने की दाल। आप कितनी ही मात्रा रख सकते हैं, सम संख्या में रखें तो ज़्यादा उत्तम होगा, जैसे 11-21 जितनी आपसे उत्तम हो उतना संभव है। हालांकि गुरुजी यह तो नहीं कहते कि कितनी संख्या में आपको चने की दाल लेनी है या गुड़ लेना है। गुड़ एक टुकड़ा ले लीजिए और थोड़ा चने की दाल ज़्यादा ले लीजिए, ठीक है। जल इत्यादि लेकर जाइए महादेव के मंदिर में और गुड़ का टुकड़ा और जो चने की दाल है ना, अगर चने की दाल रात को गला लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो आप सभी जो है सामान्य तौर पर चने की दाल जो छिलका उतरा हुआ होता है ना वह ले लीजिएगा। अब आप सभी को शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करना है, महादेव का जलाभिषेक इत्यादि कर लेना है विधि विधान से, जैसा आप कर पाए। संभव हो तो पीले रंग के फूल इत्यादि समर्पित करें, चंदन से महादेव का अभिषेक करें अर्थात श्रृंगार करें और चंदन भी जो है उस जल में मिला लीजिए। गुरुवार के दिन पीले चंदन के उपाय सर्वाधिक फलित होते हैं। महादेव के जल के पात्र में थोड़ा चंदन मिश्रित कर लीजिए और महादेव पर पूर्ण रूप से चंदन का लेपन करें। इसके बाद जो है आप सभी इस उपाय को करना शुरू करें। बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को यह उपाय करना है। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको थोड़ा हाथ में कोई भी उपाय करें ना, जब थोड़ा सा अपने हाथ में उस चीज़ को ले लीजिएगा, आपके शरीर के जो कष्ट होते हैं ना उन चीज़ में समाहित हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो किसी भी उपाय को करें, थोड़ी देर उसे हाथ में रखें। हाथ में रखें तो बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लें, थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए जो चने की दाल लेकर गए हैं रख लीजिए। अब अपने मन में जो बात है, जो मनोकामना है, जो आपके साथ हो रहा है, जो भी आप महादेव से कहना चाहते हैं कह दीजिए। बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सबसे पहले जो गुड़ का टुकड़ा है वह आप सभी को एक हाथ से उठाकर जो अशोक सुंदरी माता इसका स्थान है ना वहाँ पर समर्पित कर देना है और जो बचे हुए चने की दाल है वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप सभी को समर्पित कर देना है। बस यही सरल सा उपाय है। इसके बाद झोली पसार कर महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, गुरुवार के दिन आपका यह विशेष उपाय किया है, जो गुड़ का टुकड़ा है ध्यान रखिएगा, माता अशोक सुंदरी का स्थान आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वहाँ पर रखना है गुड़ का टुकड़ा और चने की दाल जो है पूर्ण रूप से महादेव के ऊपर समर्पित कर देनी है। बस यही सरल सा उपाय है जो आप सभी को इस गुरुवार के दिन करना है। इसके बाद जो है आप जो भी मंत्र जाप करते हैं या जो भी मनोकामना है झोली पसार कर महादेव माँ अशोक सुंदरी से कहें। उसके बाद जो है आप सभी को यह कार्य कर लेना है, बहुत सरल उपाय है, कर लीजिएगा। दूसरा उपाय भी इसमें जोड़ना चाहूँगी, आप सभी को जरूर से केले वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। केले वृक्ष में थोड़ा सा जल लेकर उसमें हल्दी डाल लीजिए और केले वृक्ष में इसे समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो है आप सभी को थोड़ा सा गुड़ और चने का भोग जो है केले वृक्ष के नीचे भी जरूर से लगाना चाहिए। हालांकि आप व्रत नहीं कर पाते कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु यह सरल साधारण सा कार्य जरूर से कीजिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। एक दीपक केले वृक्ष के नीचे भी गुरुवार के दिन लगाना चाहिए, श्री हरि विष्णु का वासा माना जाता है। जीवन में जो अटके हुए कार्य हैं सभी कार्य जो है इस उपाय को करने से दूर होंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव। जैसे संभव।